हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का एक जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज MAIT यानी कि महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है और काफ़ी प्यारा कॉलेज है, इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो है वो लास्ट 3-4 साल से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है। आप लोग आईपीयू का जो है वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि काउंसलिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। 19 अगस्त से हमारा जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, राउंड वन का बीटेक कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली यही है कि बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग कॉलेज रिव्यू भी आ रहा है, कट ऑफ भी आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले MAIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कट ऑफ के रिगार्डिंग, दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन दोनों के रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद जाके कि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना रैंक लाना होगा टू गेट द एडमिशन इन द MAIT कॉलेज। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात कर लेते हैं कि सभी से पहले आप इस जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को अभी से लेकर आप लोग के फर्स्ट डे कोर्स तक के सारे वीडियो यहां पे मिल रहा हो। ठीक है, सो बात करते हैं हम लोग MAIT के कट ऑफ के रिगार्डिंग। ये जो कट ऑफ है बच्चों आप लोगों का वो पिछले ईयर का है। ठीक है ना, आईपीयू में जो हमारे टोटल जो होते हैं वो 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स के बाद जाके इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है, उसके बाद हमारे स्पोर्ट राउंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 राउंड्स का जो है वो 3rd राउंड का ये कट ऑफ है। ठीक है, और स्लाइडिंग राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो कि स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करके चल रहे होते हैं। पहले आईपीयू में ऐसा हुआ करता था कि राउंड 1 से पहले ही जो है जितने बच्चे रजिस्टर कर लेते थे वही बच्चे इसके काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन पिछले ईयर से इन्होंने क्या किया है कि मान लो कि राउंड 1 से पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, राउंड 1 ओवर हो गया, तो राउंड 2 से पहले भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो राउंड 3 का हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस ईयर का। तो बच्चों महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन कैसे होता है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास 12 जो है वो दिल्ली से पास आउट किए हैं तो वो सभी के सभी दिल्ली रीजन में आ जाते हैं, उनका होम स्टेट कोटा लग जाता है। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आउटसाइड दिल्ली से पास किए हैं क्लास 12, उनका अदर स्टेट लग जाता है, यानी कि आउटसाइड दिल्ली रीजन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ब्रांचेस की बात करेंगे तो हमारे CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। देखो यहाँ पे 2 शिफ्ट चलता है, Shift 1 और Shift 2 चलता है, तो Shift 2 में जो है आप लोगों को जो है हाई रैंक पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो उसी तरीके से जो CSE का जो है वो Shift 1 में भी है और Shift 2 में भी है। ठीक है, Shift 2 जो है वो शाम को चलता है। नेक्स्ट हमारे CST कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 4th ब्रांच हमारा AI & DS है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारा वो AI & ML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। नेक्स्ट हमारा 6th नंबर का IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7th नंबर हमारा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, 8th में हमारा EC इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, 9th हमारा EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, 10th हमारा ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लास्ट हमारा MAE मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, जो कि ME का हमारा स्पेशलाइजेशन है। दिल्ली रीजन की अगर हम लोग बात करेंगे, CSE शिफ्ट 1 के लिए जो कट ऑफ गया था वो 39,296 गया था, ST के लिए 274,120 गया था, ST के लिए 503,476 गया था। ठीक है, अब देखो जहां पे आप लोग का ब्रैकेट लगाया गया इसका मतलब ये सारे कट ऑफ गिवन नहीं है। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये कि आप लोग रफ आइडिया लगा सकते हो कि अगर 5 लाख तक में जो है वो Shift 1 गया है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही रैंक भी, यानी कि 5-6 लाख 7 लाख रैंक भी अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, Shift 2 की अगर हम लोग बात करें, जनरल के लिए 48,160 गया है, ST के लिए आप लोग देख सकते हो, CST के लिए अगर हम लोग बात करेंगे जनरल के लिए 47,837 गया है, AI & DS के लिए 64,972 गया है, AI & ML के लिए 58,995 गया है, IT के अगर हम लोग बात करेंगे 65,172 गया है, ITE के लिए 70,132 गया है, ECE 1,01,275 गया है, EEE की बात करेंगे तो 2,13,152 तक गया है, ME का 2,31,465 तक गया है और ME जो हमारा वो 2,66,903 तक गया है। तो बेसिकली बच्चों यही है कि अगर आप लोगों को MAIT में एडमिशन लेना है, लोअर ब्रांच में चल जाएगा, सो 2,66,000 तक आप लोगों को एडमिशन इसमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जनरल के बाद ST है, EWS और OBC नहीं है। उसके पीछे बच्चों रीजन ये है कि EWS और OBC का बेनिफिट आप लोगों को IPU के प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली IPU के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसी के अंदर ही आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज भी अब आज के टाइम में ज्यादा नहीं रह गया है, पहले 4 गवर्नमेंट कॉलेज एक्स्ट्रा हुआ करता था IPU के अंदर, वो हट करके अब DSU का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, 2 बन चुका है हमारा NSUT का ईस्ट कैंपस, 1 वेस्ट कैंपस और 2 हमारा DSU में आ चुका है। DSU एक नया यूनिवर्सिटी है जो कि पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों को उसमें एडमिशन लेना है तो आप लोगों को जैक दिल्ली के काउंसिल में पार्टिसिपेट करना होता है। बाकी उसके अलावा अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे
हमारा मेन कैंपस यूएसआईसीटी है, एक हमारा यूएसएआर है जो कि पिछले ईयर से स्टार्ट हुआ है, एक हमारा यूएससीटी है जो कि हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए है। ये तीन ही कॉलेज है जिसमें आप लोग का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बेनिफिट देखने को मिलेगा, बाकी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया है। आप लोग एससी का देख सकते हो, एसटी का देख सकते हो। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। बच्चों आउटसाइड दिल्ली के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, देखो दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली में देखो बेनिफिट भी आप लोग को ये देखने को मिल जाता है कि दिल्ली में जो हमारा आईपीयू है वो क्या करता है, दिल्ली कैंडिडेट को रिजर्वेशन देता है और 85% सीट पे एडमिशन जो है वो दिल्ली स्टूडेंट वालों का ही होता है, बाकी रिमेनिंग 15% सीट पे जो है वो आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों का होता है। तो इसी की वजह से जो है आप लोग दिल्ली कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, यानी कि दिल्ली से आप लोगों ने क्लास 12 पास आउट किए हो, तो आप लोग का हाई रैंक पे भी एडमिशन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग आउटसाइड दिल्ली से हो तो आप लोग का थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हाई जाता है, तो कट ऑफ भी हाई जाता है। ठीक है, सो यही हमारा पहला। अगर हम सीएससी शिफ्ट रोल की बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 28,594 जो सीट यहाँ पे 39,000 तक में मिल रहा था वो यहाँ पे 28,000 तक में ही क्लोज हो गया। ठीक है, एसटी के लिए आप लोग देख सकते हो 1,50,000, एसटी के लिए 2,98,000। ठीक है बच्चों, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे शिफ्ट टू के लिए 33,741, फिर हमारा सीएसटी के लिए 34,991, एएनडीएस के लिए 39,285, एएनएमएल के लिए 41,470, आईटी के लिए 39,880 जा रखा है हमारा, आईटीई यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए 39,027 तक जा रखा है, ईसी के लिए 50,915 तक जा रखा है, ट्रिपल ई के लिए 70,859 तक जा रखा है, एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 78,000 तक जा रखा है और एमई के लिए 84,000 तक जा रखा है। स्पेशली जो लोअर ब्रांच है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को काफी बेनिफिट देखने को मिल जाता है दिल्ली कैंडिडेट और आउटसाइड दिल्ली में। देखो आउटसाइड दिल्ली में एमई हमारा 84,000 तक में ही जा रखा है ना, और वहीं दिल्ली के लिए हम लोग बात करें सो 266,000 तक जा रखा है। तो देख लो कितना बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके से बाकी हर एक स्टेट ही अपने स्टेट को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं अपने स्टेट कैंडिडेट का। ठीक है, सो आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के काउंसिल में जरूर पार्टिसिपेट करना, बाकी में कर रहे हो ये तो अच्छी बात है। दिल्ली की आईपीयू कॉलेज काफी प्यारा कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है लोकेशन वाइज भी, क्योंकि दिल्ली में है और साथ में कॉलेज का ओवरऑल सारी चीज आप लोग को अच्छे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो यही बातें थी, बाकी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप लोग इसे आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे तो वो भी आप लोग बाद में देख सकते हो, ध्यान से चेकआउट कर लेना। बच्चों ये तो बात हो गया हमारा 2021 का कट ऑफ। इस बार की कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो हर एक ईयर कट ऑफ वेरी करता है। 2020 में जो है वो हाई रैंक तक में जो रैंक ये जो लिखा हुआ है इसे ज्यादा रैंक तक में भी मिल रहा था, लेकिन पिछले ईयर थोड़ा सा जो है वो रैंक हाई देखने को मिला था, कट ऑफ हाई देखने को मिला था। इस बार मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कट ऑफ लो देखने को मिलेगा, बेसिकली ये काफी मतलब काफी वेरी से देखने को मिलेगा, जिसके यहाँ पे 39,000 तक है तो मुझे लग रहा है कि 41,000 तक में भी इस बार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार जेई में बच्चे भी कम अपीयर हुए थे, सो चांसेस आर वेरी हायर कि इस बार कट ऑफ लो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब प्लस 1,000-2,000 कर सकते हो, मतलब बेसिकली 39,000 रैंक है तो आप लोग ये मान सकते हो कि अगर आप लोग का 41,000 तक रैंक है इसका मतलब आप लोग सेफ साइड में आप लोगों को सीएससी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, बाकी एक और बात भी कि ये थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड होता है और स्लाइडिंग राउंड में आप लोग को काफी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन स्लाइडिंग राउंड के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स होते हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाता रहता है, और हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे वीडियो के थ्रू, आप लोग के सारे डाउट को क्लियर करते रहेंगे। लेकिन बच्चों ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि कितने सारे पर्सनल डाउट होते हैं जो कि वीडियो के थ्रू क्लियर नहीं हो पाता है, सो उस सभी के लिए हमारा पर्सनल काउंसिल सपोर्ट चल रहा है। आप में से मोस्टली बच्चों को पता भी होगा रेगुलर वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग। सो बेसिकली यही है कि डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, करके फीचर करके बाय कर लेना। अभी इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज है, बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ जाएगा, टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ही है और 50+ स्टूडेंट हो चुके हैं हमारे आईपी यूनिवर्सिटी में, सो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही जो है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए जल्दी से बाय कर लो, एक बार बाय कर लेते हो वैसे इंस्टेंट कॉल आता है, कॉल आने के बाद जाकर आप सभी के साइड आउट को क्लियर किया जाता है, उसके बाद जाकर के आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट जो चॉइस फिलिंग होती है वो सारी चीज हमारी टीम कर रही होती है। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लो, बैलेंस का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बीआईटी की काउंसलिंग में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 59 ही रखा था, अभी उसका प्राइस जो है वो 2,499 हो चुका है। ठीक है, सो ये गलती मत करना, क्योंकि ये इकलौता ही चैनल है जो कि आप लोगों का अभी से लेकर पूरे काउंसलिंग जर्नी में हेल्प कर रहा होगा। आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट, हम लोग लास्ट 3-4 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, बेसिकली यही है कि सभी सब साथ छोड़ देंगे, जल्दी से बाय कर लो ताकि हम लोग आप लोग हेल्प कर सके। 19 अगस्त से जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, तो अगर आप लोग अभी बाय कर लेते हो तो हम लोग आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट आउट करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और फर्स्ट राउंड का जैसे सीट आउटमेंट होगा हमारे पास जितने भी स्टूडेंट है उनका भी आप लोगों को फीडबैक देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से काउंसिल सपोर्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, बाकी यही है कि अगर आप लोग ले लेते हो तो 100% आप लोगों को सीट आउटमेंट करवा दिया जाता है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है वो भी आप लोगों को लास्ट तक में करवा दिया जाता है। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लो, कोई और डाउट है तो मैं उसे बता देना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर सकते हो। आईपीयू का नहीं, इसके अलावा भी हम लोग बहुत काउंसलिंग करवाते हैं, जोसा, यूपीटी, कॉमेट के, एमएससीसीटी, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, तो उन सबका भी आप लोग बाय कर सकते हो, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। सबका प्राइस जो है वो
3499 है, बाद में सभी का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी बाय करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद।